2022 में सत्ता की रेस कौन जीतेगा, क्या बन रहे हैं सियासी समीकरण, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या है हाल, आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल हमारे खास शो 403 में आपको हर क्षेत्र के बारे में बताएंगे। और आज हम बात करेंगे आगरा की बाह विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी की रानी पच्छालिका सिंह विधायक हैं। दो राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं से सटा, दो जिले फिरोजाबाद और इटावा के बीच में स्थित आगरा की बाह विधानसभा सीट। सनातन धर्म की आस्था का केंद्र बटेश्वर धाम यहीं स्थित है। जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र शौरीपुर भी बाह विधानसभा क्षेत्र में आता है। बाह विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली भी है। आगरा का बाह विधानसभा क्षेत्र जो कि दो राज्यों और दो जिलों से सटा हुआ है, इस बाह विधानसभा क्षेत्र से कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली भी है, साथ ही साथ यहाँ पर तीर्थ स्थल बटेश्वर भी है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बटेश्वर में दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। बाह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की रानी पच्छालिका सिंह विधायक है। इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तब रानी पच्छालिका सिंह के पति राजा अरिदमन सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, जबकि 2007 में मधुसूदन शर्मा विधायक चुने गए। बाह विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर का विकास हमेशा से प्रमुख एजेंडा रहा है। ये बात और है कि आज भी क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जो हम लोग आशा थी कि हम लोगों को योगी सरकार में बटेश्वर का माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी का जन्मभूमि है तो काफ़ी विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ। जन्मभूमि है जो अटल बिहारी महत थे, प्रधानमंत्री थे यहाँ के देश के, तो उनकी जन्मभूमि पर आज खरंजा वहाँ पर कई तरह के वायदे होगा कि ये बनाए बोनाए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। बटेश्वर तीर्थ क्षेत्र में बीते वक्त में विकास के कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था का अभाव है, साथ ही यहां तक पहुंचने के लिए सुविधाएं भी कम हैं। बटेश्वर एक पर्यटन मानचित्र पर उभरने वाला क्षेत्र है, इसको जोड़ने के जो सपने दिखाए यहां के लोगों को वो कार्य नहीं हुआ। बाह विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में कई सड़कों का निर्माण हुआ है, हालांकि अभी तमाम सड़कें हैं जिनका निर्माण होना बाकी है। पिछले 2 साल से ये तो रहा है विकास में, कहीं का पूरे प्रदेश और देश में हर जगह कमी आई, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादा कहीं नहीं हो पाया है, इससे तो लगभग सभी लोग वाकई बाकी तो ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया सही था कि यहाँ से वहाँ तक निकलना बहुत बुरा था, आदमी साइकिल से नहीं निकल पा रहा था। ये सब बना है, पूरा उधर जाके ब्लॉक तक बनाया। बाह विधानसभा क्षेत्र से विधायक रानी पच्छालिका सिंह की विधानसभा में उपस्थिति करीब 96% रही है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से संबंधित 60 प्रश्न भी उठाए हैं। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,27,623 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,79,491 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,48,121 है, जो कि 2022 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बाहर से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बाह विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट आपने देखी, अब देखिए कि विधायक रानी पच्छालिका सिंह के दावे क्या हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, जो सड़कों का जाल बाह में बिछा है शायद कोई और क्षेत्र में ऐसा है नहीं, और जो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी माननीय महाराज योगी जी की सरकार ने करवाया है, जो कायाकल्प स्कूल के किए हैं, जो कायाकल्प जो पंचायत भवन बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास जो गरीबों को दिया गया, शौचालय जो बने हैं, हमारे यहाँ ODF भी हुए हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें?
कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पे आके देखिए, बा आके देखिए, मैं सबको निमंत्रण देती हूँ। और जो इस बार भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, तो बहुत ही कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जनता के लिए लग के काम किया है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? बहुत से काम ऐसे हैं जो मैं अभी करना चाहती हूँ। एक नदगवा से लेके पिनहाट सड़क है जो जुड़ रहा है दूसरी मध्य प्रदेश, चंबल से मध्य प्रदेश से जुड़ रहा है और पिनहाट भी राजस्थान से जुड़ रहा है, दोनों जगह पुल बन रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसका भी जैसे बा फतेहाबाद वाला मार्ग बना है डबल लेन, तो कम से कम बन जाए और उसको जोड़ा जाए चंबल एक्सप्रेसवे के साथ में एज ए लिंक रोड और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लिंक रोड करके, ताकि आवागमन ट्रैफिक का हो सके। उपलब्धियों, विकास कार्यों को लेकर रानी पक्षालिका सिंह के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष की राय क्या है सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी है, तब से बाहा विधानसभा के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। विकास के नाम अछूता है। रोडों की हालत इतनी दुर्दस्त हो गई है, जो रोड बनी थी उनकी उनको मरम्मत कराना भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। लोगों में पानी की हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी विकास नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये विकास बाह में कराया। कोई भी ऐसा एक काम बता दें जो विकास कराया हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? उन्होंने 2012 से 17 तक कार्यकाल देखा है, गुंडागर्दी इतनी नहीं थी, बलात्कार इतने नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात जो आपराधिक यहाँ जो अपराध बढ़ा है और ऐसे लोगों की हत्या हुई हैं जो कि निर्दोष लोग थे, उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने न कोई कार्य विकास कराए और हत्याएं और जघन्य अपराध बढ़ गए हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारा सबसे पहले बटेश्वर का विकास रहेगा, उसको ऐसा पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे जिससे वहाँ बाहा विधानसभा में गंगा बसे, गंगा बहे, विकास की गंगा बहे, हमारा ये उद्देश्य रहेगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बाहा विधानसभा के अंदर सर्वांगीण विकास कराने का काम करेगी हमारी सरकार। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कर रही है, आगरा जनपद में भी बहुत काम किया, लेकिन और दोबारा जो भी कमी रह गई है वो पूरा काम समाजवादी पार्टी की सरकार होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों को आपने सुना, लेकिन जरूरी है यह जानना कि आखिर जनता क्या सोचती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक महारानी पक्षालिका सिंह के काम से मैं ही नहीं, मुझे लगता है क्षेत्र की समस्त जनता बहुत संतुष्ट है। अगर किसी भी विधायक से आप उनका कंपेयर करेंगे, अपने क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज की, तो उनके बराबर कोई विधायक इस उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा सुख दुख में यहाँ जनता के साथ हमेशा रहती है। वो मेरे अंदाज में 90-95% से ऊपर ही जाएगा उपस्थिति की तरफ। बहा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायिका द्वारा वो भी काम नहीं किए गए जो यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया गया। यहाँ तो कोई भी काम नहीं किया, जो जंगल में जो गांव बसे हुए हैं, ठीक है, हम जैसे हमारा बढ़ेरा गांव है, और भी गांव लगते हैं, आप हमारे गांव में जाकर के देखो, पैदल 5 किलोमीटर की रास्ता है, अगर पैदल जाओगे तो सुबह से शाम होनी है। यहाँ से उदी मोड़ के लिए ये रास्ता पूरा पक्का कराया है और उन्होंने बढ़िया ही काम किया है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं कराया था वो काम उन्होंने कराया है। सर मैं मतलब 10 साल से यही देख रहा हूँ, जैसा मैंने देखा है वहाँ वैसा 10 साल से आज भी वही देखता हूँ। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जो इनको काम कराना चाहिए वो उन्होंने कोई काम नहीं कराया। अच्छा है, पहले से बहुत बढ़िया है। माँ कन्या महाविद्यालय हमारे यहाँ बागराजपुरा में बन रहा है,
चंबल नहर डाल परियोजना के तहत हमारा जिला, हमारी तहसील, पूरे जिले में एकमात्र तहसील और डार्क नहीं है। यहाँ पानी की उपलब्धता, यहाँ ट्यूबवेल लग सकते हैं, किसानों की कृषि के लिए सबसे अच्छा ट्यूबवेल की व्यवस्था है, नहर की व्यवस्था है। पूरे कहीं किसी भी जिले में आपको किसी भी तहसील में डिपो नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ डिपो है। स्थानीय समस्या क्या है? परेशानी वाले काम तो ये है, जो है जो नाला निकल जाए तो हमारा पानी घरों में जाता है बरसात का। सड़क की बहुत हालत खराब है यहाँ पे, मेन समस्या सड़कों की बस। कोई रोजगार की दिशा में कहीं भी कार्य होता नजर नहीं आ रहा है।